हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश जोशी। आज क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटरिन और सराउंडिंग, अपने जो सराउंडिंग आस पड़ोस की जो वस्तु है अब उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के नेम में लिखा हुआ है मैटर, तो मैटर के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे सपोज हम इस बात करते हैं इस मार्कर को कहीं पर भी रखेंगे तो ये क्या करेगा, स्पेस कवर करेगा। इस डस्टर की बात करते हैं, डस्टर को हम किसी टेबल पर रखते हैं या किसी और जगह पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि डस्टर भी क्या करता है, स्पेस कवर करता है। कोई भी चीज बात की जाए, ठीक है, तो हम उसको कहीं और पे रख रहे हैं, यहाँ पर अपने पास पड़ी है तो वो क्या कर रही है, जगह घेर रही है। तो ऐसी सभी चीजें जो अपने आस पड़ोस में है और स्पेस कवर कर रही है वो सब चीजें क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो यहाँ पर मैटर की डेफिनेशन दी हमने, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय द सेंस। कोई भी ऐसी चीजें जो क्या करती है, स्पेस कवर करती है और जिसका क्या होता है, स्पेसिफिक मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, यानी अपने आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू के महसूस कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें अपने आस पड़ोस में देखते हैं वो सभी क्या है, मैटर है। घर के बाहर गए, गाड़ियां दिख रही है, वो क्या, उनका मास भी स्पेसिफिक मास है। स्पेसिफिक मास के साथ में क्या है, उनके हम सेंस ऑर्गन के थ्रू भी हम उनको चेक कर सकते हैं और वो स्पेस कवर कर रही है, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो अपने आस पड़ोस में सभी चीजें जो आती है, छोटी से छोटा पार्टिकल है वो क्या होता है, एक मैटर होता है। तो ये सब मैटर में आती है। हमारे जो शास्त्रों के अनुसार जैसे मैटर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पंच तत्व जिसे कहते हैं, पंच तत्वों में डिवाइड किया गया है। जैसे पंच तत्वों के नाम गए हम, जैसे हवा है, हवा के साथ में क्या है, पानी है, पानी के साथ में अर्थ है, भूमि है, अर्थ के साथ में क्या है, आसमान है, स्काई है, और आग है। ये सभी पांच पंच तत्व कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर मैटर इज द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे उनके अनुसार ये कहा गया कि जो मैटर है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। 5 एलिमेंट होते हैं, जो होते हैं एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ। ये 5 एलिमेंट पंच तत्व कहलाते हैं। मैटर मेनली जो कंसिस्ट होता है, मेडअप होता है, यानी 5 एलिमेंट से बना होता है। अब हम बात करते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो विशेषताएं क्या होती है मैटर की। तो मैटर को हम देखते हैं किसी जगह पर रख रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्पेस कवर कर रहा है, और स्पेस कवर करने के साथ में हम उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल उसके क्या होते हैं, किसी के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, नजदीक होते हैं, किसी के दूर दूर होते हैं, और एक स्पेसिफिक उसका क्या होता है, मास होता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। फर्स्ट है जो मैटर होता है वो क्या होता है, एक सॉलिड या लिक्विड किसी भी शेप में होता है, तो वो उस शेप पे बना कैसे है, तो शेप पे बनने के लिए वो कम से कम, जैसे एक कार की बात करें या मोटरसाइकिल की बात करें, तो मोटरसाइकिल डायरेक्टली पूरी इस तरह से डिजाइन नहीं होती, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट से मिलके एक बड़ी कार का या मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। सिमिलरली कोई भी मैटर है, एनीथिंग इज मेड अप ऑफ द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी चीज है वो छोटे छोटे चीजों से मिलके बनी होती है। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये है, अब इनको मिला देंगे तो एक तरह से क्या बनेगा, मैटर बनेगा। सेकेंड है, वी कैन स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल। उन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल से मिलके बना है मैटर, उनके बीच में क्या होगा, वेकेंट स्पेस होगा, कुछ स्पेस खाली होगा। जैसे यहां पर मैंने ये डॉटेड शो किए हैं, अब इस डॉटेड में देखें तो
तो डॉटेड एकदम पास में नहीं है, उनके बीच हर डॉट के बीच में क्या है, वेकेंट स्पेस, खाली जगह होती है, ताकि वो मैटर एक दूसरे के अगर कांटेक्ट में आए तो भी एक दूसरे को क्या करे, पुश नहीं करे, ताकि उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना जरूरी है। थर्ड है पार्टिकल आर इन अ कंटिन्यूस मोशन, ये जो पार्टिकल होते हैं हम वेकेंट स्पेस इसलिए रखे जाते हैं मैटर के बीच में क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आते हैं और वो पार्टिकल क्या होते हैं, कंटिन्यू मोशन में होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और वो पार्टिकल लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक तरह से मोशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपना मैटर के कैरेक्टरिस्टिक का, पार्टिकल आर द हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं, नजदीक में होते हैं, तो नजदीक में एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है जो इनको बाइंड करके रखता है, जिसके थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो चार हमने इसके मैटर के कैरेक्टरिस्टिक बताए, एक तो इनके पार्टिकल है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, दूसरा इनके बीच में वेकेंट स्पेस होता है, तीसरा ये जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन करते हैं, और ये जो पार्टिकल होते हैं इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ये तो थे मैटर के जो पार्टिकल थे उनका कैरेक्टरिस्टिक। अब हम मैटर को डिवाइड भी करते हैं कि मैटर को किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। जैसे हमने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है स्टेट ऑफ अ मैटर, मैटर की स्टेट अवस्थाएं, कि जो मैटर होते हैं उनको कितनी अवस्थाओं में डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे थर्ड का है, थ्री पॉइंट दिए हैं इसके, कि मैटर को थ्री टाइप से, थ्री बेसिस हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड अपॉन अ पार्टिकल अरेंजमेंट, कि पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की एनर्जी, एक तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे है, पार्टिकल किस तरह से अरेंज है उसमें, दूसरा उनकी एनर्जी कितनी है एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, और थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। इन तीन के बेसिस हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर जो होते हैं उनके बीच जो पार्टिकल है उनके बीच स्पेस हो, उनका एनर्जी लेवल क्या है और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो अपने जो मैन है, हमने मैटर को फाइव स्टेट में डिवाइड किया है, फाइव स्टेट ऑफ द मैटर बताई है, जिसमें मैन स्टेट की बात करें तो अपने मैन थ्री स्टेट ही होती है, सॉलिड लिक्विड और गैसेज। सॉलिड का जैसे एग्जांपल लें, जैसे मार्कर एक सॉलिड का एक एग्जांपल है, सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर की बात करें तो हमने कह दिया एक मिल्क, मिल्क की बात करें तो वो क्या हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई। और गैसेज की बात करें तो गैसेज की बात करें तो कोई भी हीलियम या फिर अपनी जो एयर है वो क्या है, एक तरह की इसमें गैसेज है। ये थ्री मैन स्टेट होती है मैटर की, इनके साथ में हमें दो और स्टेट दे रखी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेट होती है मैटर की वो थ्री होती है, क्योंकि अगली जो दो स्टेट होती है वो क्या, इन थ्री स्टेट से मिलकर ही बनी होती है। जैसे हम बात करते हैं कर्ड की, कर्ड की बात करते हैं तो कर्ड क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है। क्रीम की बात करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है। वेपराइज करते हैं किसी गैस को या फिर तो लिक्विड में और इसमें फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, सिलेंडर में जो गैस होती है। तो ये अगली जो स्टेट है फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ जो अपनी है, एक है फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है बॉस आइंस्टीन कंडेंस, ये दो स्टेट और दी गई है, जबकि मैन अपनी थ्री स्टेट ही होती है। इन जो स्टेट ऑफ मैटर है इनके बारे में हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।